नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और आप मुझे देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ में। कल यूपीएससी 2018 का रिजल्ट निकला और जम्मू में खुशी की लहर देखने को मिली हर जगह। मैं बात करूंगा, यहां पे 8 बच्चे हैं जिन्होंने जो है यूपीएससी 2018 में अपना रास्ता जो है आईएएस के लिए क्लियर कर लिया है। इसमें दो लड़कियाँ भी हैं जिसमें से एक मेरे साथ यहाँ पर देवाहुति बैठी हैं, जम्मू की बेटी, और एक बशीर जो पुंछ की हैं। आज हम बात करेंगे देव आहुति से, किस तरह से इनका सफ़र रहा बचपन से लेके, क्या बचपन से इन्होंने सोचा था सिविल सर्विसेज के लिए, प्रेरणा क्या रही इनकी। तो देव आहुति, जिस तरह से मैं अभी फॉलोअर्स को बता रहा था, क्या प्रेरणा रही आपकी, मोटिवेशन क्या रही सिविल सर्विसेज के लिए? शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने, मेरे चाचू ने स्पेशली मुझे इनकरेज किया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। उन्होंने हमेशा चाहा है कि हमारी फैमिली से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में निकले। तो वो एक स्टार्टिंग में वो एक इंस्पिरेशन थी। फिर ग्रोइंग अप मैंने देखा कि काम भी कैसे होता है, पब्लिक सर्विस होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उस तरफ मेरा और खिंचाव हुआ और इस तरीके से वो मेरा एक गोल बन गया, एम बन गया। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू में पूरे खुशी का माहौल बना हुआ है, आज घर में भी काफ़ी खुशी का माहौल होगा। मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे आपके रिलेटिव जो हैं, आपके घर वाले यहाँ पे काफ़ी खुश हैं। कितना अच्छा लगता है ये देख के, ये खुशी अपने डियर वंस के चेहरों पे। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं। और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे को सक्सेस मिला है और बहुत देर इंतज़ार किया है सब लोगों ने इस दिन के लिए, तो इसलिए बहुत खुश हैं। बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, सब लोग बहुत खुश हैं। कैसा सफ़र रहा आपका बचपन से लेके आज जो दिन आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं इंसान को याद रह जाती हैं वो मोमेंट्स, अगर आप शेयर करना चाहें कुछ हमारे साथ? हाँ जी, बचपन से जैसे मैंने 10th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ मतलब नॉइंगली लिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे उस वक्त कि मुझे मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना चाहिए। उस समय साइंस का ज़्यादा दौर चल रहा था, साइंस का ज़्यादा दौर था, तो लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसी तरफ जाना है, तो इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ चुना। और उसके बाद फिर मैंने लॉ किया और लॉ करने के वक्त भी बहुत लोगों ने बोला था कि लॉ क्यों कर रही हो, लेकिन मैंने 5 ईयर लॉ कोर्स किया क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे पेरेंट्स का, मेरे चाचू का ये मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने लॉ किया। उसके बाद मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए, मैंने 5 साल तक पढ़ा अच्छे से। एक अटेम्प्ट में मेरा 4 मार्क्स रहा और अभी जो है ये हो गया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अपने फॉलोअर्स का यहाँ पे कि देव आहुति जो है बचपन से ही काफ़ी पढ़ने में तेज़ थी, शार्प थी, 10th में भी पोजीशन लाई है इन्होंने, 19th पोजीशन लाई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18th पोजीशन लाई है, आई एम सॉरी, 12th में भी इनकी पोजीशन आई है, और इन्होंने लॉ में भी जो है टॉप किया था अपने, जम्मू में टॉप किया था आपने? हाँ जी, जम्मू यूनिवर्सिटी में अपने बैच में, अपने बैच में टॉप किया था इन्होंने। चलिए, स्कूलिंग का एक अहम रोल रहता है हम देखते हैं बच्चे के अपब्रिंगिंग में, किस तरह से क्या रोल रहा आपका स्कूलिंग का, अगर आप थोड़ा सा बताएं अपना? हाँ जी, मैंने 10th कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल से किया है, तो उस वक्त तो एक फॉर्मेटिव स्टेज होता है, बच्चे को अच्छी क्वालिटीज़, उसका रुझान पता चलता है उस तरफ। और उसी दौरान मेरा रुझान ये हो गया था कि मैं आर्ट्स की तरफ ही जाऊंगी, लेकिन वो आर्ट्स ऑफर नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने SP हायर सेकेंडरी जो है, SP स्मार्ट स्कूल जो है, वहाँ पर मैं गई, वहाँ उन्होंने मुझे ह्यूमैनिटीज़ ऑफ़र किया। इनफैक्ट कुछ ऐसे टीचर्स थे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो कि नहीं अवेलेबल थे, उन्होंने अवेलेबल करवाए वो टीचर्स स्पेशली मेरे लिए, और वो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, मेहनत करते हैं वो बच्चों पे। जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम था, जो उनका टेस्ट सीरीज वाला सिस्टम था, वो बहुत अच्छा था, उसने मेरा बहुत हेल्प किया। तो क्योंकि मैंने जो जर्नल स्टडीज़ में सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स मैंने ग्रेजुएट्स में अपने 12th में रखे थे, तो उनकी वजह से बेसिक एक क्लियर हो गया था, बेसिक्स अच्छे हो गए थे, तो उसने मेरी मदद की इस एग्ज़ाम में। फैमिली में मोटिवेशनल फैक्टर क्या रहा, कौन रहा आपके लिए? एक होता है ना जो पुश करता रहता है आपको आपके गोल की तरफ हमेशा, कौन था वो मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए? मोटिवेशनल फैक्टर मेरे पेरेंट्स और मेरे चाचू, जैसे मैं कह रही हूँ बार बार, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, हमेशा सपोर्ट किया है, और चाचू हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं क्योंकि वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स उन्होंने हैंडल करी हैं। और जो मेरी मम्मा है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो मेरी फ्रेंड की तरह रही है, मैंने हर चीज़ उनसे शेयर की है, तो ये इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग मेरी लाइफ में, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। जिस तरह से मैंने फैमिली की बात की, फैमिली में आपके कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होता है, कोई आपसे काफ़ी करीब होता है, इसी तरह से स्कूलिंग में भी
हम बात करें तो कोई ना कोई गुरु आपके जो होता है काफ़ी करीब होता है, जो आपके लिए इंस्पिरेशन बनता है, जो आपको कहीं ना कहीं एक एक रास्ता दिखाता है। आपने 10th तक स्कूलिंग की, 12th तक की, कॉलेज भी के, ऐसे कई टीचर रहे होंगे, अगर किसी के बारे में आप बताना चाहें हमें तो। मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक करना चाहती हूँ। सब टीचर्स ने मुझे बहुत इनक्रेज किया है, स्पेशली क्योंकि सिंस मैंने ह्यूमैनिटीज़ एसपी स्कूल में ही लिया था, तो वहाँ पर मेरे पॉलिटिकल साइंस के सरदार सर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सोशियोलॉजी वाले सर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मुझे इकनॉमिक्स की शबीना मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत, वो बहुत इनक्रेज करती थी। शिवांग सर ने हमेशा मुझे बहुत इनक्रेज किया है। और उसके बाद मैंने लॉ में, मेरे सब टीचर्स ने, सबको मुझ पर कॉन्फिडेंस था, जबकि स्ट्रगल में थोड़ा टाइम लग गया, पर फिर भी किसी ने वो फेथ लूज नहीं किया, सबको कॉन्फिडेंस था कि इसका हो जाएगा। तो मैं सबको थैंक करना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज कि आपने एक वो आस रखी अपने साथ, तो शायद उन टीचर्स को भी हाँ आपको जी देख के एक सपोर्ट रहती थी, एक मोटिवेशन हाँ रहती जी थी। हाँ जी हाँ जी बंदा तभी लूज़ करता है जब वो खुद गिव अप करे। जब तक आप गिव अप नहीं करोगे तब तक आप लूज़ करते नहीं हो एक्चुअली। हम देखते हैं हमेशा से हमारे सोसाइटी में फीमेल्स को हमेशा एक मेल के नज़रिए से थोड़ा नीचे देखा जाता है। उसी चीज़ को प्रधानमंत्री की तरफ से भी एड्रेस किया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके। आपका क्या मैसेज रहता है हमारे जम्मू की और हमारे भारत की बेटियों के लिए? आप इंस्पिरेशन है उनके लिए। हाँ जी बिल्कुल, मतलब इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। इनफैक्ट आगे बढ़ बढ़ के और उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि एक लेडी का अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उनका एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इक्वालिटी जितनी जितने विगर से वो लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कों को आगे बढ़ाते हैं, उतने विगर से घर वालों को, जो लड़कियों को भी आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, ये थी देव आहुति जिन्होंने बिल्कुल सही कहा, बेटियों को भी उतना ही तरजीह देनी चाहिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम बेटों को देते हैं, ताकि वो भी आगे बढ़ के जो है सोसाइटी में मुकाम हासिल कर सकें। थैंक यू देव आहुति, आपने हमें समय दिया। यहाँ पे देव आहुति के पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। कल जब रिजल्ट शाम को आया 7 बजे के करीब, तो हर जगह से मैसेज आ रहे थे कंग्रेचुलेशन के लिए गुड़िया को, तो सारा परिवार, सारे फ्रेंड सर्कल वाले, सारे जितने भी रिलेट में सारे खुश थे। और इस वक्त भी लोग आ रहे हैं और मतलब सारे मतलब खुश हैं इसकी कामयाबी की वजह से। तो मतलब को बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये जो देव आहुति है जिसने यूपीएससी में अपना सक्सेस पाया है, ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और जो जब इनको सब्जेक्ट्स वगैरह मैट्रिक के बाद दिए तो ये इसके आर्ट्स के सब्जेक्ट से, तो शुरू में हमने महसूस किया लेकिन इसने महसूस नहीं किया। बाकी बच्चे जो मेडिकल वाले थे वो सोचते थे कि शायद इस तरह का मसला है, लेकिन उसने कहा जो भी है ये बिल्कुल ठीक है। खैर, इसने बाद में पोजिशन लाई और इसी तरह जिस क्लास में रही ये टॉपर रही है, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन थी। तो अभी इसने लॉ किया है, उसमें भी टॉपर है, और टॉपर 250 मार्क्स की वो है डिफरेंस है जो सेकंड वन है। तो इसमें सब खानदान को इसमें इसका नाम रोशन होता है, तो हमें बहुत खुशी है, और हम यही चाहते हैं कि सारे बच्चे इसी तरह ये इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़ें, मुल्क का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरे बच्चों ने भी इसके साथ बहुत सपोर्ट किया है, चाचा जी हैं, पापा जी हैं, सारी फैमिली ने सपोर्ट किया है इसको।